नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के बीच गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में झड़प हो गई। यह विवाद बीकेबी ऑडिटोरियम में प्रवेश को लेकर असहमति से उपजा था। यह टकराव दोनों संगठनों के बीच मारपीट में बदल गया। सूत्रों का कहना है कि झड़प सीए विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित चल रहे तनाव के कारण हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार 18 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में सोनोवाल जनजाति की पारंपरिक बैठक पूजा में भाग लिया। पूरे पूर्वी नागालैंड क्षेत्र में सार्वजनिक आपातकाल लागू होने के कारण 19 मार्च को तुएनसांग मुख्यालय में पूर्वी नागालैंड सार्वजनिक बैठक के लिए आने वाले सभी आमंत्रित लोगों को निजी वाहन में और निजी अंगरक्षकों के बिना आने के लिए ईएनपीओ द्वारा निर्देशित किया गया। इसके अलावा 19 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक केवल तुएनसांग शहर के भीतर शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन और सार्वजनिक गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद रहेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से एक बार फिर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कमलनाथ के करीबी कहे जाने वाले सैयद जाफर ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सैयद जाफर आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में शपथ ग्रहण किया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने 18 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तमिलिसाई सुंदरराजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र भेजा। तमिलिसाई भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। भाजपा तमिलिसाई को दक्षिण चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन या कन्याकुमारी से चुनाव लड़ा सकती है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर खुर्जा अंडरपास के पास एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कार के चालक को हिरासत में ले लिया गया है और गाड़ी चलाते वक्त उसकी आंख लग गई थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। राहुल गांधी के दावे पर महाराष्ट्र भाजपा के नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं वो बेबुनियाद है और वो सोनिया गांधी से नहीं मिले थे। अशोक चव्हाण ने बीते दिनों ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी। रविवार को मुंबई की रैली के दौरान राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए दावा किया था कि महाराष्ट्र के एक नेता ने उनकी माँ के सामने रोते हुए कहा था कि उन्हें शर्म आती है कि वे इस ताकत से नहीं लड़ सकते और वो जेल नहीं जाना चाहते। राहुल गांधी के इस बयान को अशोक चव्हाण से जोड़कर देखा गया, क्योंकि हाल ही में वही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और आदर्श हाउसिंग घोटाले में उनका भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के बाद अब शक्ति को लेकर विपक्षी वाद को भी हथियार बना लिया है। एक दिन पहले ही मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति का चुनाव फिर जीत लिया है। कोई ताकतवर प्रतिद्वंदी नहीं होने की वजह से एक तरफा मुकाबले में उन्हें जीत मिली। इसी के बाद पुतिन का कार्यकाल 2030 तक बढ़ गया है। रूस में यह 5वीं बार है जब पुतिन का राज आया है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।